तो भर दो झोली मेरे या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली झोली, हम सब की भर दो झोली, मोहम्मद भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, भर दो झोली, हम सब की भर दो झोली, भर दो झोली, भर दो झोली। तुम्हारे आस्थान से ज़मान क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थान से ज़मान क्या नहीं पाता। आना हुआ शेरा, मुझे ये बताओ तुमने ये क्या धंधे खोले हुए हैं? भत्ताखोरी भत्ताखोरी, तुमने ये क्या हलचल मचाई हुई है? ये मत भूल शेरा कि ये मेरा इलाका है। जहां हम बैठ जाते हैं वो इलाका हमारा हो जाता है। चल शेरा, तेरे आने की मैं इज्जत करता हूं। परसों इतवार है, क्यों ना हम एक फुटबॉल का मैच रखें? अगर तेरी टीम जीत गई तो मीरवर का 5% भी मुझ पर हराम है, और अगर हार गई तो मीरबर से 10% तो मैं लेकर रहूंगा। अगर मंजूर है तो हाथ मिला। तेरी ये शर्त मुझे मंजूर है। मैं लियारी की शान हूं, मैं लियारी की जान हूं, मेरी लियारी जान है। तुमने समझा क्या है? देखता हूं तू किस तरह जीतता है। नहीं चलेगी भत्ताखोरी, बगैरती की इंतहा होती है। याद रख, शेर खान बलोच मेरा नाम है। कभी भी हार नहीं मानूंगा। उस वक्त तक जब तक मैं मौजूद हूँ किसी को धंधा नहीं करने दूंगा। ये मेरी बात याद रखना, बगैरती की इंतहा होती है। इतनी भद्दे की पर्चियां, इतना कत्लो गारत, कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये याद रख, ये शेर खान बलोच का वादा है। आने वाले वक्त का इंतजार कर। Ha ha ha.
ये तो इतवार का खेल ही बताएगा, तू जीतेगा या मैं जीतूंगा। बेटा रो नहीं, अम्मा अम्मा ठीक है, अम्मा अम्मा भाई अम्मा ठीक है, मैं भी लाता हूँ अम्मा अम्मा। भाई जल्दी से एक पर्ची बनवाना। शुक्रिया। जैसे कि नाज़रीन आपको पता है ये एक चैलेंज मैच है शेर खान बलोच के दरमियान और राजा के दरमियान। राजा अपनी मलकियत लियारी में बनाना चाहते हैं, जबकि शेर खान को ये नामंजूर है कि लियारी पर राजा हुकुमरानी करे। ये एक चैलेंज मैच है और बड़ा सनसनीखेज मैच होगा, बड़ा मज़े का मैच होने वाला है। दोनों टीमें आमने सामने, देखते हैं कौन जीतता है, शेर खान की टीम जीतती है या राजा साहब की टीम जीतती है। इसे और ये देखते हैं, ये एक अच्छा, ओ इस टाइम बिजली की कमी महसूस हो रही है, बिजली है नहीं, बिजली पता नहीं कहाँ है। एक अच्छा ओ प्लेयर को बोलो नवीद को पीछे करें, नवीद को पीछे करें। अटैकिंग है नहीं, अटैकिंग है नहीं, डिफेंस क्या करेगी। सोहेल आगे बढ़ते हुए और ये ट्राई और गोल पोस्ट के बिल्कुल ऊपर। ये हिट काशिप का और बहुत सनसनीखेज मुकाबला, लेकिन कमी। और ये गोल, और ये गोल चेलेजर ब्लू का बेहतरीन गोल, और मणिपुर एक गोल से हार रही है। और इस टाइम शेर खान बलोच जो बहुत ही अफसरदा नज़र आ रहे हैं, इनका फॉरवर्ड नज़र नहीं आ रहा है, बिजली की वजह से इनकी टीम काफ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है और ये मैच हार भी सकते हैं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या हो रहा है, बिजली कहाँ है? शेरा भाई बिजली को फ़ोन किया था, मैं कहा था मेरी माँ को देख के मैच शुरू होने से पहले आ जाऊँगा। टीम तो गर्क हो जाएगी फिर आएगा, क्या करें, कब आएगा वो? बिजली को बुलाओ यार, उसको बोलो जल्दी आए, क्या ड्रामा है। अम्मा, अम्मा। शेरा भाई फोन नहीं उठा रहा बिजली, क्या हो रहा है, इस तरह तो टीम गर्क हो जाएगी। अम्मा भैया, अम्मा ठीक हो जाएगी ना भैया? मामा ठीक हो जाएगी, तुम तसल्ली रखो, दुआ करो उनके लिए, तुमने रोना दोना मचाया हुआ है, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। भैया पता नहीं किसी की कॉल आ रही थी, ब्लड प्रेशर चेक करो इनका। अच्छे काम करो, तुम मामा का ख्याल रखो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। भैया जल्दी आ जाना भैया। ये काशिफ की हिट और ये उसके पास क्या? सोहेल आगे बढ़ रहे हैं और बिजली
बिजली जो है वो आ चुके हैं और मेरे ख्याल से वो ग्राउंड में उतरने वाले हैं, लेकिन अफसोस के माणिपुर बलोच एक गोल से हार रही है। देखते हैं कि बिजली ये गोल उतारने में कामयाब होता है या नहीं। और ये बिजली आ चुका है ग्राउंड में और अब देखते हैं काशिफ से साजिद आगे बढ़ते हुए और ये बिजली को दे बिजली देख कोडोच किया दूसरे कोडोच और ये गोल जबरदस्त बेहतरीन गोल और ये बिजली ने एक एक गोल बराबर बिजली ने आती गोल कर दिया जबकि दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर और ये बिजली एक बार फिर गोल की तरफ और ये तीन बंदे को टॉच करते हुए गोल ये जबरदस्त और ये बिजली ने एक और गोल कर दिया और ये टीम विन कर जाएगी और ये विन कर गई क्योंकि बिल्कुल लास्ट मोमेंट थे। आँखों में समा गई छूना ना मेरा बदन
दी, आंखों में समा गई, छूना ना मेरे।